गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स कर रहे हैं हम। तो कल हमने टीम टीचिंग मॉडल किया था, मैंने बताया था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम नेक्स्ट मॉडल करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट मॉडल है फुल इंक्लूजन मॉडल या पुश इन मॉडल, ठीक है। ये किसी भी नाम से आ सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, अब बड़ी जब हम क्लासेस में हो जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन किसी भी सेंस में आ सकता है, ठीक है। तो आप उसको एक बार ध्यान से पढ़िए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। कई बच्चे क्या होते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है और क्वेश्चन की सेंस चेंज हो जाती है, आंसर वही होता है, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल को फुल इंक्लूजन मॉडल या आपका पुशिन मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस मॉडल का मेन क्या होता है एम, देखिए मॉडल सभी हमारे टीचिंग के लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। किस मॉडल के द्वारा कैसे बच्चों को पढ़ाना है, जो उनको सूटेबल मॉडल लगता है वो उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को टीच करते हैं, ठीक है बेटा। तो टीचर्स के अकॉर्डिंग जो जिस बच्चों को जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सही लगता है वही मॉडल वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, इनका बेस्ड है मॉडल। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो समावेशी शिक्षा है, मेन इसका क्या है मोटिव हमारा, कि बच्चों को कक्षा में अनुदेशन और सहयोग प्रदान करना बच्चों टीचर का एम होता है, कि बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें कि बच्चों को समझ में आ जाए। देखिए नॉर्मल बच्चों के लिए भी यही बात होती है कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिना समझ में आए कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए टीचर्स को मेथड्स ऐसे ऐसे यूज़ करने चाहिए, टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे यूज़ करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से बच्चों को क्वेश्चंस आंसर समझ आ जाए, ठीक है बेटा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। जब तक उन्हें मान लीजिए कोई बेसिक क्लियर नहीं होगा किसी क्वेश्चन का या उसका आंसर ही क्लियर नहीं होगा, उसका मीनिंग ही क्लियर होगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसमें तो क्या होता है, बच्चे डिसेबल बच्चे भी होते हैं और नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, ठीक है बेटा। तो डिसेबल बच्चों और नॉर्मल बच्चों को दोनों के कॉम्बिनेशन दोनों का कॉम्बिनेशन करके उनको पढ़ाना, ठीक है, तो ये तो और भी मुश्किल बात है। तो इसलिए टीचर बड़े ध्यान से उनको जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होती है, जो भी मॉडल यूज़ करना होता है, तो वो बड़े ध्यान से यूज़ करके इसमें पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये क्या कहते हैं कि जो विशिष्ट अध्यापक होते हैं, हमारे स्पेशल टीचर्स होते हैं, वो अपनी विधि एवं सहायक सामग्री के साथ कक्षा कक्ष में ही प्रवेश करते हैं, अपनी जो उनकी स्पेशल जैसे कोई भी स्पेशल चीज़ें होती हैं, ठीक है, मेथड्स होते हैं, विधियां जो हम बोलते हैं जिनको, तो वो उनको लेके क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, ताकि क्या है अध्यापक बच्चों को जो हमारे अलग अलग आप क्या होते हैं जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं तो हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाता है, जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है वो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो इसमें क्या है, जब जो अध्यापक होते हैं वो बच्चों को सामाजिक अध्ययन की कक्षा में सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं, और हिंदी कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं, और मैथ की कक्षा में मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो स्पेशल टीचर होते हैं वो बच्चों को बच्चों के जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीखने में उनकी सहायता करते हैं, ठीक है बेटा। आगे क्या बताया गया है कि जो स्पेशल टीचर है आपका, उनके अनुदेशन में सामान्य अध्यापकों की भी उनका क्या एम होता है, मदद करना, जो नॉर्मल टीचर क्लासरूम में होती हैं, ठीक है, उनकी भी वो हेल्प करते हैं, ताकि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी बच्चों की किसकी किसके ऊपर बेस्ड होती है, टीचर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए एक दूसरे की उनकी हेल्प करनी भी उनका एम है। देखिए अगर हेल्प एक दूसरे की नहीं करेंगे तो क्लासरूम में वो सही ढंग से अपने मेथड्स टीचिंग मेथड्स या स्टडी जो भी उनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नहीं बच्चों को समझ में आएगा। इसलिए टीचर और नॉर्मल टीचर और स्पेशल टीचर का कॉम्बिनेशन, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो यही है आपका पुश इन मॉडल, जनरल हम मीनिंग पता चल गया। आगे इसके बारे में और हम बात करते हैं कि इसमें क्या है आपका, कि जो आपका बिना किसी, अगर हम देखते हैं कि बिना किसी क्लास में स्पेशल टीचर के ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल टीचर होता है वो बहुत सारी नई नई टेक्निक
यूज़ करता है वो इसलिए स्पेशल टीचर। आप मान लीजिए कोई किसी चीज़ में विषय में एक्सपर्ट होता है, आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स जिन्होंने डॉक्टरी करी है वो सभी को डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन जिस चीज़ में जो स्पेशलिस्ट है वो वही आगे अपने काम को करते हैं। ठीक है, कोई गायनी में स्पेशलिस्ट है तो वो गायनी का काम करेंगे। ठीक है, तो कोई मान लीजिए साइकोलॉजिस्ट है तो वो साइकोलॉजिस्ट का काम करेंगे। तो अलग अलग प्रोफेशन होता है, कहने को सभी डॉक्टर्स हैं लेकिन उनका प्रोफेशन अलग अलग होता है। ऐसे ही जो हमारे स्पेशल टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि इन बच्चों को हम किस तरह से किस मेथड्स द्वारा किन टेक्नोलॉजी द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इसलिए स्पेशल टीचर के बिना क्लासरूम में नॉर्मल ये इंक्लूसिव क्लास में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक ही इसमें क्या है, हम एक ही क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं जिसमें हमारे नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और एबनॉर्मल बच्चे डिसेबल बच्चे भी होते हैं। तो दोनों तरह के बच्चे होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन करना टीचर का कार्य होता है, नॉर्मल टीचर और स्पेशल टीचर। और क्या बताया गया है इसमें, क्या होता है कि जैसे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं टीचर के द्वारा बच्चों के, कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके अलग ग्रुप बना दिए, दो तीन बच्चों के ग्रुप बना देते हैं, जो थोड़े कम इंटेलिजेंट होते हैं नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया जाता है, और जो थोड़े वीक होते हैं जिसे हम वीक बच्चे कहते हैं उनका ग्रुप अलग बना दिया जाता है। तो क्या है, टीचर उसी हिसाब से उन्हें क्या करता है, हैंडल करता है। मान लीजिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस तरह से कार्य उनका होता है कि वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, जो बच्चे उनको उसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो वीक बच्चे होते हैं उनको उसी तरह से, तो वो क्या है बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाता है, बाद में वो थोड़ा उनकी स्टडी इक्वल कर देते हैं, लेकिन जब उनको बच्चों को दिक्कत आती है तो इस तरह से उनको अलग अलग ग्रुप बना के उनका जो भी स्टडी को उनको क्या है पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनको उसी के हिसाब से जैसे जैसे बच्चे हैं उसी के हिसाब से टीचर उनको हैंडल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि जो ये टीचर क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो हमारा ये टीचर्स होते हैं, हमारा टीचर्स हैं हमारे जो स्पेशल और आपके नॉर्मल टीचर हैं, वो क्लासरूम में बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ सके। तो स्पेशल टीचर का होना भी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका जो हमारा करिकुलम होता है, उनका पाठ्यक्रम होता है, इस तरह से वो सेट करते हैं हमारे जो स्पेशल टीचर हैं, इस तरह से सेट करते हैं कि उनका सिलेबस टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिनिश हो जाए। अब मान लीजिए हमारा सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग, जब हम सोचते हैं कि इस मंथ में, अब क्या होता है टाइम दिया होता है कि अप्रैल जून तक हमने ये कंप्लीट करना है, सितंबर अक्टूबर तक हमने ये कंप्लीट करना है, फिर दिसंबर तक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये सेटिंग इस तरह से करते हैं टीचर कि आपका सिलेबस टाइम टू टाइम ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है बेटा, और स्पेशल टीचर क्या है, रेगुलर टीचर को जो उसका हेल्प है, रेगुलर टीचर की हेल्प भी करते हैं, और उनको डिसेबल बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो भी कार्य किया जाता है स्पेशल टीचर द्वारा, कि उनको हैंडल का मतलब कि उन्हें कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड द्वारा, कौन सी टेक्नोलॉजी द्वारा। आजकल आपको पता है कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो उन बच्चों को किन बच्चों को कैसे टेक्नोलॉजी द्वारा पढ़ाना है, कोई जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको सुनाई नहीं देता, कोई टांग से, किसी की टांग नहीं है, वो हैंडीकैप है, वैसाखी लेके चलता है, तो इन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो स्पेशल टीचर क्या है, नॉर्मल टीचर की, हमारी रेगुलर टीचर की हेल्प करता है। और पॉइंट्स क्या है इसमें, जो भी टीचर पुशिंग मॉडल को यूज़ करता है वो पहले से ही सभी जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको अरेंज करता है, जो भी हमारे उन्होंने मेथड्स यूज़ करने हैं उनको पहले से ही अरेंज करके रखता है। ऐसा नहीं है कि जब वो क्लासरूम में पढ़ाने आए हैं उसके बाद देखेंगे कि इन बच्चों को इस मेथड की ज़रूरत है या इन बच्चों को इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो उस समय नहीं, ये सब चीज़ें टीचर पहले ही अरेंज करके क्लासरूम में आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका ये क्या है, जो मेथड है या मॉडल है, ये मॉडल क्या है, स्टूडेंट कंसर्न है, न कि
टीचर कंसर्न। तो इसमें हम स्टूडेंट को लेके ही आगे बढ़ते हैं। मेन मोटिव क्या होता है हमारा? स्टूडेंट्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, उसको सही एजुकेशन देना और इंक्लूसिव स्कूल्स या कक्षा में उनको दूसरे बच्चों के साथ इक्वल जैसे शिक्षा देना कि वो अपने आप को दूसरे बच्चों से हीन महसूस ना करें। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंट बच्चों का कई बार ग्रुप बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद उनको शिक्षा बराबर ही दी जाती है। ये तो जस्ट जब बच्चे थोड़ा कम सीखते हैं तो उस समय किया जाता है, लेकिन बाद में सब बच्चों के साथ बराबर ही बिहेव किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था। और इसमें क्या होता है, मेन बच्चों को मोरल एजुकेशन देना भी होता है। खाली देखिए बच्चों को ऐसा नहीं है कि सिलेबस करवा दिया जाता है, मेन क्या होता है बच्चों को मोरल एजुकेशन देना। आजकल देखा होगा आपने हर क्लास में मोरल एजुकेशन का सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो मोरल एजुकेशन भी शिक्षा के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है। खाली किताबें पढ़ना ही हमारा शिक्षा नहीं है। आप लोगों ने एजुकेशन का मीनिंग पढ़ा होगा कि किताबों को पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, हमें अपनी पूरी तरह से मेंटली, ठीक है, फिजिकली, हर तरह से हमारी ग्रोथ होना क्या है, एजुकेशन है। ढंग से हम किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा हमें करना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, हमें कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना चाहिए, तो ये सभी कुछ हम एजुकेशन में ही सीखते हैं। ऐसा नहीं होता कि स्पेशलिस्ट के लिए कोई हम क्लास स्कूल में अलग से पीरियड, नहीं बेटा, तो ये सब हमारा एजुकेशन में ही सीखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मॉडल है, अब ये आपका हो गया क्वेश्चन मॉडल या आपका क्या था, फुल इंक्लूजन मॉडल। नेक्स्ट मॉडल आपका आता है, वो भी अच्छा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल, स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल। इसको हम सिम भी कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज एस से बना है और इंटरवेंशन आई से बना है और एम क्या है, मॉडल, तो इसको शॉर्ट नेम में सिम भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है पूरे नाम की जगह अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो सिम के बारे में वर्णन कीजिए। तो सिम का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल की सिम है आप उसको सिम समझो, उसके बारे में डाल दो कि इसमें ऐसा होता है इसमें ऐसा होता है, नहीं, ठीक है, वो फ़ोन वाली सिम नहीं है, ये मॉडल का नाम है। ठीक है बेटा, तो ये भी करेंगे आज हम, ये भी आपका अच्छा इम्पॉर्टेंट मॉडल है। तो इसमें क्या होता है आपका, सिम मॉडल में जो भी हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन देना होता है। वैसे तो अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे और जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं सभी को एजुकेशन सही ढंग से देना, तो लेकिन जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनका खास ध्यान रखा जाता है। उनको क्या है, उनका मेन क्या होता है, टीचर्स का मोटिव, उनको स्ट्रीम एजुकेशन देना। और इसे सक्सेसफुली बनाने के लिए जो रेगुलर टीचर हैं उनके साथ साथ क्या होते हैं, स्पेशल टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, सबका एक साथ काम करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, इन सभी में कोऑर्डिनेशन होगा तभी ये इकट्ठे कार्य करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन बनाना भी ज़रूरी है, जब आपकी क्लास में दो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो पढ़ा पाएंगे, नहीं तो आपस में उनकी बहस भी हो जाएगी। ठीक है, बहस में हम कोई कुछ पढ़ा थोड़ी सकते हैं। ठीक है बेटा, स्टडी का जब माहौल होगा, टीचर अपने अपने टाइम पे अपने अपने मेथड्स के बारे में, स्टडी के बारे में जब पढ़ाते हैं तो उसी समय हम सही ढंग से, हमारा जो एटमॉस्फेयर होगा सही होगा, तभी हम सही ढंग से पढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है, डिसेबल बच्चों का जो इनकी शिक्षा है इनको नॉर्मल बच्चों के साथ देना और ये सपना साकार करना। और क्या बेटा बताया जाता है इसमें, जो टीचर होता है वो क्लासरूम में जाता है और जो उन स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले से ही वो क्या कहते हैं कि जो टॉपिक पढ़ाना होता है उसकी जानकारी पहले से ही उनको दी जाती है कि हम कल क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि बच्चे क्या हो जाते हैं, थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बारे में उनको थोड़ा पता चल जाए। अब मैं आपको बोलूँगी कि आपने कल ये टॉपिक, हम नेक्स्ट ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो थोड़ा बच्चे भी क्या करके आते हैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करके आते हैं, ताकि उनको थोड़ा नया सा या अटपटा सा ना लगे। ठीक है, तो टीचर क्या है इसमें,
पहले से ही क्या है, बच्चों को, बच्चे इससे पहले ही थोड़ा सा परफेक्ट हो जाते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे, तो टीचर इसमें पहले ही बच्चों को ये बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें टीचर जो बच्चों को डिफाइन कर देते हैं उसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और क्या है, और टीचिंग का उनका मेन क्या है, कौन सा आपका मतलब मेथड यूज़ करना है, या हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस मेथड द्वारा पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सब थोड़ा बच्चे बच्चों को शो कर देते हैं। उसके बाद है आपका जो टीचर हैं, बच्चे की इसमें प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्किल्स करते हैं, आप लोग सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी आपने लेसन प्लान बनाए हैं, उसमें हमारी बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं, टॉपिक पढ़ाते हैं, तो ये भी क्या है, टीचर बच्चे की इसमें क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है, और उसको करंट नॉलेज के साथ जोड़ते हैं, जो करंट टॉपिक होता है उनको उसके साथ जोड़ते हैं। तो आपकी प्रीवियस नॉलेज प्लस करंट नॉलेज, इससे कनेक्ट करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या बताया गया है, और यह भी जो जब उससे प्रीवियस टॉपिक करवाया था और उस समय कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ किए जे, तो टीचर ये भी ध्यान में रखते हैं। देखिए कई बार हम क्या होता है, जब करंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं, तो हमें जिस मेथड द्वारा हमने प्रीवियस टॉपिक करवाया है उसी मेथड द्वारा हम क्या करें, अगर वो सही मेथड है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हमें उसी मेथड द्वारा ही नया टॉपिक भी, करंट टॉपिक भी करवाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए। तो इसलिए करंट टॉपिक में भी कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, ये सभी टीचर द्वारा सही ढंग से यूज़ किया जाता है। और क्या होता है इसका मेन एम, कि जो टीचर का एम है क्या है, करंट टॉपिक जो पढ़ाते हैं उनकी डिलीवरी करना बच्चों को, जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो उसकी क्या करते हैं, वो उन बच्चों को डिलीवरी करते हैं, उसके बारे में नॉलेज देते हैं कि इसमें जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, उसको उसके बारे में पहले ही बताते हैं। मान लीजिए कई बार होता है हमें कुछ ऐसा वर्क करना होता है कि हमें जैसे होता है किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए शांति से, जब हम चुपचाप बच्चों को ऐसा एटमॉस्फेयर जब हम पढ़ाई करते हैं, तो कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वो चीज़ समझ आने के लिए एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बच्चों का बैठने का ढंग, ये सब, कि बच्चों की शोर, की कोई डेस्क हिला रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर सही ढंग से होना चाहिए ताकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें एनवायरनमेंट टीचर द्वारा सही ढंग से बनाया जाता है ताकि बच्चों को जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए और बच्चे मोटिवेट हों, ठीक है बेटा। तो इसमें ये सभी मेन बातें हैं, और दो तीन बातें और हैं जो हम पढ़ते हैं कि जितने भी इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं उन्होंने मोस्टली अगर हम देखें तो इस मॉडल को अपनाया हुआ है, ठीक है, इंक्लूसिव स्कूल्स में, क्योंकि ये मॉडल जो सिम मॉडल है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो अरेंजमेंट है वो बच्चों का अरेंजमेंट इस हिसाब से किया जाता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ठीक है बेटा। टीचर को जो इसमें क्या है, नॉर्मल टीचर और जो आपका स्पेशल टीचर होता है वो क्या है, मिलजुल कर काम इकट्ठा करते हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो टीचर को यह सोचने उनको क्या होता है कि इंक्लूसिव को कैसे सक्सेसफुल बनाना है वो पूरी तरह से उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसके लिए टीचर अच्छे से अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी मेथड्स वो यूज़ करते हैं ताकि वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सकें, ठीक है, और अच्छी नीयत से पढ़ा सकें ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो इसमें टीचर की सोच क्या होती है, आशावादी होनी चाहिए, ना कि निराशावादी। देखिए अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो मन में नेगेटिव। आप अपने ही उससे देख लीजिए, कई बार हम परेशान होते हैं, ठीक है, हमें टेंशन होती है किसी चीज़ की, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, अरे हमें ये कर लेना चाहिए, हम बहुत परेशान हो गए हैं, अब हमारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, तो नेगेटिव थिंकिंग आती है। अगर पॉजिटिव होते हैं हम तो पॉजिटिव आती है, हमें आगे बढ़ना है, हमें ये ऑफिसर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो हर चीज़ में, फील्ड में आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमेशा टीचर का जो भी जो नीयत होती है उनका, वो भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए,
ठीक है बेटा, तो ये आज के दो मॉडल थे, बाकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।